हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का अध्याय नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे हम, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अब चूंकि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो यहां लिखेंगे रोहन के माँ की आयु की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ उसे 26 साल बड़ी हैं। अब देखिए, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी रोहन की आयु 3 वर्ष बाद निकालना है, इसलिए उसकी आयु में हम 3 जोड़ देंगे, क्योंकि पश्चात का मतलब होता है बाद, और 3 साल बाद आयु 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3, और उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसके माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 29। ठीक है, अब सुनिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल बराबर 360 होगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी, x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी, x प्लस 29, बराबर कितना आएगा, 360। अब देखिए, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो x का इस पूरे पद में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x कोष्टक में x प्लस 29 प्लस 3 का गुणा, इस बार हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 3 कोष्टक में x प्लस 29 हो जाएगा। ये प्लस 360 था, जब बराबर के बाईं ओर इसे लाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये माइनस 360 हो जाएगा, बराबर ये पूरा पद चला गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ठीक है, चलिए अब यहां देख लीजिए, तो ये ब्रैकेट यहां पर ओपन करेंगे तो x का x में गुणा होगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 29 में मतलब 29 में गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 का x में गुणा करेंगे 3x आएगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 87 आएगा, माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, ये एक्स वाला पद एक में ऐड हो जाएगा, तो 29x और 3x मिलके 32x हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, प्लस 87 माइनस 360, हम जानते हैं प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 87 को घटाना पड़ेगा, तो कितना, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा 35, 35 में से 8 घटाएंगे 27 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब कहेंगे 273 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 32 आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर 273 का फैक्टर किया जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 1 3, फिर 7 से काट देंगे,
सात एकन्नम सात, ये यहाँ पे बचेगा दो, 21 हो जाएगा, सत्री 21, अब ये 13 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सत्री 21 और 13, 21 और 13 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, नहीं बनेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, 13 3 39 कर देंगे, 39 में से अगर 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 39 × 7, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे भी लिखेंगे 39 यक्स माइनस 7 यक्स माइनस, इसका हमने फैक्टर किया तो ये आया 39 × 7। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 4 पद हो गए, तो यहाँ पर 4 पद हो गए, तो प्रथम दो को एक तरफ और अंतिम दो को एक तरफ कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यक्स कॉमन दिख रहा है, यक्स कॉमन लेने पर बचेगा यक्स प्लस 39 माइनस, यहाँ पे देखिए पहला पद माइनस है तो माइनस भी सात काम, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ दोनों में 7 भी है तो माइनस 7 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा यक्स माइनस, ये 7 चला गया तो कितना बचा 39 = 0। यहाँ पे देखिए माइनस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी, तो यहाँ पे पुनः आप देख पाएंगे यक्स प्लस 39 दोनों में कॉमन है तो यक्स प्लस 39 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस 7 = 0। अब यहाँ पर कहेंगे यदि यक्स प्लस 39 = 0 तो यक्स बराबर माइनस 39 जो कि अग्राह्य है क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहेंगे यदि यक्स माइनस 7 = 0 तो यक्स बराबर 7। अतः यदि रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यक्स बराबर 7 वर्ष, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे का प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तय की गई दूरी यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किमी। आगे ध्यान दीजिएगा, करा यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल थी, प्रारंभिक चाल से लगा समय और रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो यहाँ पे देखिए कहेंगे यक्स किमी पर आवर की चाल से 480 किमी चलने में लगा समय, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है डियर स्टूडेंट, 480 किमी और चाल कितनी है यक्स, ठीक है। आगे लिखेंगे, अब कह रहा उसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो मैं लिखूंगा अभी उसकी चाल कितनी है यक्स, अगर 8 घंटा इसमें से घटा देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी यक्स माइनस 8, तो लिखेंगे यक्स माइनस 8 किमी पर आवर की चाल से 480 किमी
चलने में लगा समय। फिर से वही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x माइनस 8। अब प्रश्नानुसार डियर स्टूडेंट कह रहा है कि x माइनस 8 किमी बराबर की चाल से चलने में लगा समय और x किमी की चाल से चलने में लगे समय का अंतर 3 घंटे है। यहाँ पे आएगा x माइनस 8 किमी पर आवर की चाल से लगा समय बराबर x किमी पर आवर की चाल से लगा समय प्लस 3 इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि कह रहा है कि x माइनस 8 किमी पर आवर की चाल से लगा समय x किमी पर आवर की चाल से लगे समय से 3 घंटे अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x किमी पर आवर की चाल में 3 घंटे जोड़ देंगे। अब दोनों के द्वारा लगा समय बराबर है इसलिए यहाँ पर बीच में हमने बराबर का साइन लगा दिया। तो x माइनस 8 किमी पर आवर की चाल से लगा समय कितना है 480 अपान x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए x किमी की चाल से लगा समय कितना है 480 अपान x प्लस 3। ये प्लस 480 अपान x है बराबर किस पर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, अगर यहाँ पर बगल में सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x ऑफ x माइनस 8, ठीक है, और इसका इसमें और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x का गुणा 480 में करेंगे तो यह आएगा 480x माइनस x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x माइनस 8 का गुणा माइनस 480 में करेंगे तो ये प्लस 8 8 64 8 4 32 प्लस 6 32 प्लस 6 करेंगे तो 38 हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा 3। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3840 अपान x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 में करेंगे 8x बराबर कितना आएगा 3। 3 से डिवाइड कर देंगे 3 1 3, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 और 0 उतर जाएगा। तो ये अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1280 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये पूरा पद बराबर के उस पर जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें 1280 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1280 का गुणनखंड करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, अगर मैं यहाँ से 40 एक में कर दूँ और 32 एक में कर दूँ तो 40 और 32 का अंतर 8 आएगा। तो इस 1280 को मैं लिखूंगा 40 गुणे 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा x स्क्वायर
ठीक है, माइनस इस 8x की जगह पे लिखेंगे 40x माइनस 32x, तो यहाँ पे हो जाएगा 40x माइनस 32x माइनस इस 1280 को मैं लिखूंगा 40 बुढ़े 32, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस 40x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 32x हो जाएगा, माइनस 40 बुढ़े 32 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ से x चला गया 40 बचेगा, प्लस 32 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 40 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 40 फिर से कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए यदि x प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 32 जो कि अग्राह है, क्यों, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो इस प्रकार जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम। और कहीं पर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।